अपनी बात रखने वाले आप प्रखर वक्ता हैं, मीडिया प्रभारी और पोस्ट इस पद पर बराबर रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात जो है, सब सामयिक हो, किसी की समस्या हो, रखते हैं। चंद्रभूषण सिंह यादव जी, बंटी राव जी और दयाशंकर जी से लगाया, राम प्रवेश जी से लगाया, गुरुज खरवार जी, श्याम मदन यादव जी और सैठवारों के सबसे बड़े नेता संतोष सिंह जी, अभय पटेल जी, नंदकिशोर गोड़ जी, राजू यादव जी, अवधेश यादव जी प्रमुख होने जा रहा है। यह बहुत ही आम चुनाव है। आज इस चुनाव को, यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। प्रधान जी, हम सारे लोग, हम लोगों के जाने पहचाने हैं, हम सारे लोगों का सम्मान करते हैं और यह चुनाव आने वाला 12 तारीख को हमारे भविष्य का निर्णय लेने वाला है कि हमारे व्यवस्था क्या होगी, हमारा इंतजाम क्या होगा, आने वाले नौजवानों का धान गेहूं हम बोएंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि एक जो पहले बैल से खेत जोतते थे, एक हाथ जो है उसके अगर जो हल के मुठिया पर है तो दूसरा हाथ उसका रहना चाहिए सदन में क्या कार्रवाई हो रही है। यह सदन ऐसा है जहां से हमारा विकास, हमारी नौकरी, हमारी शिक्षा, हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा वह निर्धारित होगा। यह अहम सवाल है। यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे लोगों को जानना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बात करता है, बड़ी बड़ी कार्यक्रम से चलता है, चाहे वह जितना भी बात आपकी हो, उसको ऊर्जा देने वाले अगर जो कोई है वह आपका वोट। रानी और मेहता रानी का वोट का वैल्यू सेम है, किसी का कम और बेस नहीं। आज सदन में चाहे कोई बैठा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो फुलपतिया हो, रंगिया हो, वोट का वजन जितना फुलपतिया का है उतना ही वोट का वजन प्रधानमंत्री का भी है। इसी का नाम लोकतंत्र है। यह हमारा अधिकार है। हम जिसको चाहते हैं उसको नेता बनाते हैं और हमारे ही ताकत से लोग आसमान में उड़ते हैं। जो भी उड़ता है वो मालिक आप हैं। जिस दिन आप जनता मचल जाएगी, जब जब मचली है तब तक कोई भी काम नहीं। तो हम आप लोगों को आगाह करने आए हैं। हम आप लोगों को केवल ध्यान आकर्षित करने आए हैं कि पहले की सरकारें जो थी उनका कार्यकाल देख लीजिए। केवल विचार कीजिए आपके सामने। और जो यह सरकार चल रही है, इस सरकार 10 साल चली, 10 साल में हम कहां थे और कहां आ गए, हम कहां थे और कहां आ गए, इसको आपको विचार करना है। जो पहुंचा है अंतरिक्ष पर, वह इसरो का देन है, वह कांग्रेस का देन है। आज हम पूरे विश्व में अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि हमने काम ऐतिहासिक कर दिया। आज इसरो की स्थापना नहीं होती तो हम चंद्रयान पर नहीं पहुंच पाए। यह काम किसका? कांग्रेस के लिए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स और कितने भी स्टील प्लांट का निर्माण
कांग्रेस ने किया। आज जो वर्तमान में सरकार है, बोलती बहुत है लेकिन इसके पहले कोई भी एक काम गिना दीजिए कि आपने कोई इसके पहले एक काम किया। काम नहीं गिना रहे हैं, गिना रहे हैं तो हिंदू मुसलमान राहुल यह करिए। राहुल से आपकी क्या तुलना है, मैं पूछना चाहता हूं। वो आप सांसद हैं और आप प्रधानमंत्री हैं, हमको तो लगता है आपसे बहुत ज्यादा कर्ज जो है राहुल जी का है, क्योंकि आप सपने में भी राहुल जी का नाम लेते होंगे। आज उत्तर प्रदेश में हुकूमत जब जब आई है कि हमारा सड़क मार्ग भी रहेगा और इस पर जरूरत पड़ेगी तो फाइटर के मार्ग भी उतारा जा सकता है। इसको परीक्षण करने के लिए इस भाजपा के लोगों ने सोचा कि कहीं खंडित हो जाएगा, इन लोगों ने भरपूर फाइटर विमान को उतारा और कोई भी थोड़ा सा भी हाथ उस आगरा एक्सप्रेस के ऊपर नहीं आई। तो यह सोच होनी चाहिए, जब हमारा बड़ा सोच होगा अखिलेश जी आए। अखिलेश जी ने देश को उत्तम प्रदेश बनाया। टेक्नोलॉजी जो है विदेशों में 100 नंबर, 112 नंबर, 102 नंबर जो उन्होंने दिया, पुलिस आपके यहां तुरंत पहुंचती है, वह किसका है? इसके पहले कभी था? आप विचार कीजिए, कभी रहा है? कभी नहीं था। वह क्या है? वह समाजवादियों की सोच है। समाजवादी जो है वह आपको समाज से और विश्व से जोड़ना चाहता है। और जो समाजवादी पार्टी ने कन्याओं के लिए विद्याधन को दिया, वो विद्याधन ऐतिहासिक था। आज सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य अगर जो कोई समाज में चीज है तो उसका क्या है? वह शिक्षा। शिक्षा के लिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, लोगों को उत्साहित नहीं करेंगे, वह धीरे धीरे विषयातर हो जाएगा। तो समाजवादी में कन्याओं को कन्या विद्याधन देने का काम 20,000 रुपया उस समय समाजवादी पार्टी ने किया, या सोच करके किया कि वो जो इंटर कर लेती है, वो जो बीए करना चाहती है तो उसको बीए उससे करा दिया जाए। और आपकी हार जो है, जुमलेबाजों की जो है, यह सरकार जो है वो जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जितना भी काम कहा, एक ही काम कह लीजिए, आज कहता है पति है 1,000 रुपया जाए तो वह फार्म भरे, तो ये नहीं कह रहा था याद अभी कहां से पा रही है 1,000, लेकिन उसको पैसा देना ही जाओ वो फार्म भर के आदमी कहीं से जुटा करके उसको पैसा देता है, गरीब आदमी देता है। 18 वो फार्म भर के सारा काम कंप्लीट हो गया, बच्चा परीक्षा भी दिया और देकर के गेट पर निकल रहा है तो कहा हो गया और तो पेपर लीक हो गया, 18,000 रुपया गया। उसके पीछे कितना बर्बाद हुआ होगा? आप किस दिशा में ले चलना चाहते हैं? हम समझ रहे हैं भत्ता थोड़ा ज्यादा है। अभी अभी गठबंधन हुआ, इससे पहले बिहार में ऐतिहासिक भर्ती हो गई, 5-6 लाख लोग अपने आगे भर्ती हो गए, लेकिन जब गठबंधन भाजपा से हुआ तो वहां भी पेपर लीक हो गया। क्या संदेश जा रहा है? आज इन लफाफों से केवल हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने वाले लोगों से हम चाहते हैं कि आप जो है सचेत होइए और कोर्ट जवाब देने की, क्योंकि अब आपके पास एक ही विकल्प है, पहली तारीख को आठ मूल के सारे बिरादरी के लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, आज जो है समस्याएं बहुत हैं, एक भी ऐसी समस्या नहीं है, चाहे वो गैस भी हो, चाहे चोर कितना बड़ा चोरी ये लोग करते हैं, आपका जो यूरिया है, यूरिया से 5 किलो कम कर दिए और जो है कम दिया इन
इन्होंने। आखिर क्या संदेश देना चाहते, क्या पाक की वो आप लोगों ने चोरी कर दिया। आपने कहा कि गैस हम सस्ता दाम पर देंगे और आपने बढ़ा दिया। जब गरीबों मजलूमों की श्याम बहादुर भारती जी हमारे बीच आए हुए हैं,